वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश ब्लॉग। मैं बताइए ऑफ के आप सभी को तो भैया आपका स्वागत है इसमें मज़ार फ्रेश ब्लॉग में और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अगेन गाइस एक्चुअली क्या है ना, देखना है तो भाई इतनी हाथे ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ लिटरली लगता भले ही कर्नाटका में है बट यहाँ पे एसी जरूरत बिल्कुल नहीं। साउथ लगता है बहुत ऐसा लगेगा कि भाई गर्मी है साउथ की, वजह से कुछ भी नहीं है एसी की यहाँ जरूरत ही नहीं है किसी को, लिटरली नहीं है। बल्कि रात में कभी बार अभी चल रहा है भाई फिल्टर फाइनली सक्सेसफुली तरह से ले आए हैं और बोलना बहुत होता है यहाँ पे ढंग से। इन लोग को हिंदी नहीं आती और हमको कन्नड़ नहीं आती, या तो फिर इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सबको आती है। तो भाई चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और भाई पीठ में क्रैम्प आ गया भाई, क्या ही बोले यार, भारी सामान उठाने के बाद खूब तेज दर्द है। आज बेंगलोर के सेकेंड डे में बहुत दर्द मिल गया। बाय द वे लेकिन ठीक है, अभी चलेंगे आज ही चलेंगे, चलोगे ना? हाँ यूलू यूलू देखते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ बीच में फ्री वरी नहीं होगा थोड़ा सा, देखते हैं पता नहीं। चलो अच्छा देखते हैं गाइस, नहीं होगा तो चलेंगे यूलू चलाने। अच्छा के एक्सप्लोर करेंगे यूलू को, यूलू की मेरा अकल भी चलाएंगे, मुंह भी चलाएंगे, एक बार साइकिल भी चलाएंगे। चल के देखेंगे, चल के भाई। अरे यार बहुत दर्द कर रही थी टिकने के लिए ये तो अभी ठीक है, अभी गए थे ना नीचे दूध लेने, पैर में भी चालू हो गया। हमने कि हमारे साथ वो क्या रहा है पैर में अरे मतलब एड़ी के पास चालू हो गया था, हमारे भी दर्द हो रहा। हमने देखिए पीछे साइड वो क्या रहा है, हमारे भी हो रहा पीछे साइड, पता नहीं वो भाई ये कई चार सिस्टम में समझ नहीं आ रहा यार। और बताओ कैसा चल रहा है सब, नया नया सिस्टम है बेंगलोर में। गर्मी नहीं लगती भाई, चाहे आप कोई भी सीजन में आओ, जनवरी टू दिसंबर कभी भी आओ, प्रॉपर ठंड है, प्रॉपर गर्मी नहीं लगती। एक थोड़ा थोड़ा सेम वेदर रहता है हर टाइम और ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहता है यार। बैंगलोर सिटी एक्सप्लोर करनी है यूलू से और भाई देखते हैं गाइस क्या है, अभी तो लेट है, आराम कर रहे हैं यार, इतनी तेज दर्द हो रहा है अब, एक हाथ देखेगा तो है नहीं हम आपको। तो भाई तभी चलो भाई थोड़ी देर लेट लेकर मिलते हैं। बिग बॉस होते के बाद अभी शैडो सेंटर में हूँ, आज तक का इंटरव्यू चल रहा है अलविश यादव का। सो बाय द वे गाइस फाइनली निकल चुके हैं बाहर और जा रहे हैं ट्राई करने यूलू को, जो कि ई बाइक है छोटी सी लोकल, यहाँ चलती है बेंगलोर में। और भाई पीछे से यार एक तो पहले इनको निकल जाने दो, बट यार मौसम इतना बारिश का हो रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो देखो मौसम तो पूरा ख़राब हो रखा है, देखते हैं पहुँचते हैं नियरेस्ट यूलू जोन में। ऐसे खड़ी तो रहती है बट मिल नहीं रही है, ऐसे अभी मैप वगैरह में ऐसे दिख जाता है कि नियरेस्ट कहाँ पर है। तो भाई जब भाई यूलू जोन में हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर पहुँचते हैं, लेते हैं यूलू और ट्राई करते हैं भाई आज कैसा सब पूरा होने वाला है माहौल। बाद में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आज पहली बार ट्राई करेंगे अगर करेंगे। और भाई ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है मेरे बगल में, देखिए बाकी तो ठीक है यार मौसम अच्छा है इस वजह से अभी निकल गए। सुबह से गाइस एक तो पीठ में क्रैम्प था, अब वो थोड़ा सा ठीक हो गया है,
मच बेटर है पहले से, तो इसलिए निकले। और बीच में भी दोपहर धूप भी बहुत तेज हो गई थी, अब थोड़े से शाम टाइम में बादल आए हैं सही से, तो ओके है, वरना देखते हैं अभी क्या होता है। वो देखो गाइस, बाय द वे एक यूलू खड़ी तो है, बट मे भी हो सकता है उसकी किसी की राइड ऑन होगी, इस वजह से शो नहीं कर रही हमारे मैप में, इसलिए अवेलेबल नहीं है। और भाई सुबह तो यार यहीं खड़ी रहती थी, आज पता नहीं यार यहाँ कोई खड़ी नहीं है यार। जब समय पे फ्री होता है ना गाइस तो कुछ नहीं मिलता है, बात सच है। और यार बाय द वे मैंने कभी ट्राई नहीं करी यार, मैं चला तो जा रहा हूँ पैदल पैदल जोन का, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा कैसा क्या रहेगा मुझे एक्चुअली नहीं पता। बाय द वे तो पता है कैसे क्या बुक करनी है, कैसे क्या स्टार्ट करनी है, वो सब तो खैर पता चल गया है, बट रियली मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी मैंने कभी चलाई नहीं है। चलो एक बार मिलते हैं वहीं के। तो गाइस हमारा भाई है इस टाइम यूलू पे, और भाई ये देखो यूलू यूलू भाई, ये मैक्सिमम 21 आवर की स्पीड से चलती है भाई। गाइस में हेलमेट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी नहीं लगता, आ रहे भाई मजे आ रहे। अगर बताएं तो है मतलब 2.5 रुपीज पर मिनट, ये मिनट के उसमें कॉस्ट करती है गाइस, जो कि बहुत सही लग रहा है अभी चलाने में। ट्रैफिक आ गया, सबसे अच्छी चीज़ है ना इसमें लाइसेंस चाहिए ना इसमें आपको कुछ चाहिए। भाई इस टाइम इतना तगड़ा लग रहा है इस यूलू बाइक पे जो कि ये है। बाय द वे अभी बहुत मज़े आ रहे गाइस, अभी चलाना शुरू करते हैं, और ऑन भी इसका बहुत गजब है, अभी चल के बताएंगे रिव्यू। अभी तो बहुत मज़े कर रहे हैं, पहले 15-20 मिनट से इसी को चला रहे हैं बढ़िया मस्ती मज़ा करते हुए। और बाय द वे ऐसा है बैंगलोर, देख लो दिख रहा है वो, देखो लेके चलते हैं अभी यहाँ से यूलू को और मस्ती मज़ा करते हैं, एक हमने ले लेते हैं इसका। सो बाय द वे चलते हैं अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे। सबसे अच्छी चीज़ तो इसमें यही है कि गाइज ना कोई हेलमेट लगाना पड़ता है ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, 16 से ऊपर हो बस लेके चले जाओ, बहुत मज़ेदार है, मज़े आते हैं। और भाई दोपहर से तो खैर सुबह तो क्रैम्प ही आ गया था, सुबह चला ही नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए, अब थोड़ा मच बेटर है उससे, तो लेके निकले हैं। सो बाय द वे गाइज अभी हम लोग हैं विप्रो के, ये है विप्रो कंपनी, विप्रो का हेड क्वार्टर है यहाँ बेंगलोर में, जो इस कंपनी के जस्ट बाहर यूलू जोन है उसमें खड़े हैं। और भाई इस समय हम लिए हुए हैं एक यूलू, और भाई हम चलाएंगे अभी इसे। भाई दफे अभी तक तो मैं चला रहा था थोड़ी देर से, मैंने सोची अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। भाई दफे गाड़ियाँ बन जा रही हैं, नहीं यार शायद मैं थोड़ा गलत खड़ा हूँ, रोड पे खड़े होना शायद सही नहीं है इस वजह से। तो भाई तभी अभी हमें यूलू पे, और भाई बहुत सही लग रहा है, मज़े आ रहे हैं, मस्ती मज़ा चल रहा है। देखो ये है भाई विप्रो का ऑफिस, दिख रहा है, और इसी के पीछे हमारी सोसाइटी है, ये देख लो भाई पीछे बैंगलोर के नज़ारे। और सबसे तगड़ी चीज़ लगती है मुझे 2.5 रुपीज़ पर मिनट है, मिनट की कॉस्ट पर कॉस्ट करती है, वैसे तो रेंट है अच्छा खासा, बट इतना समझ नहीं आता इसमें। और भाई बहुत तगड़े मज़े आ रहे हैं एप्लीकेशन से ही, अभी भी चला रहे हैं भाई, पिछले 15 मिनट से चला रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। अब इसको ले जाएंगे अपने घर तक, लेकिन ये अब यूलू जोन घर वाला जो है वहाँ पे कोई खड़ी नहीं थी, यहाँ पे खड़ी मिली है, तो देखते हैं अब चलते हैं। भाई अभी तक यूलू चला रहे हैं, जब तक बेंगलोर में रहेंगे तब तक यूलू चलाएंगे, आज तो सुबह कैंप आ गया ना सुबह से चला रहे हैं। अबे रोड बहुत खराब है यार, बाय द वे ले जा रहे हैं इसको खड़ी करने यूलू जोन में, जो कि आने वाला है यार। और बाय द वे बहुत तगड़ी है भाई गाड़ी, मैक्सिमम स्पीड 30 है भाई, और 30 देख रहे हो इनफ हवा लग रही भाई मुझे, आप लोग देख रहे होंगे मेरे बाल वाली उड़ रहे हो नहीं उड़ रहे हो तो पता नहीं, इतनी
इनफ है भाई प्लीज। और भाई आ गए यूलू जोन, आ गए यूलू जोन अपोजिट ग्रीन विच योरा। सिस्टम चलो भाई एंड करते हैं। ये टाइम फॉर सेलिब्रेशन, मोदी जी झंडा लहरा रहा है भाई साहब। भाई चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। और बहुत साउथ पोल पे ऐसा कोई देश नहीं था जो कर नहीं पाया था, पहला इंडिया बन गया। बाकी रोवर मिशंस में चौथा देश बन गया भाई। ये बात सिस्टम सिस्टम, ये देखो भाई कन्नड़ भाषा देखी किसी ने, कहा लिखा है ये लिखा है सी। समझ आ रहा है कुछ भाई? मुझको पता है, मुझे पढ़ना आता है कन्नड़। ये लिखा है नंदिनी, ये लिखा है शुभम, ये लिखा है पेस्टराइज स्टैंडर्ड मिल्क, ये लिखा है क्वालिटी एक्सीलेंस फ्रॉम काउ टू कंज्यूमर। यही है भाई का सिस्टम। अरे भाई कन्नड़ आगे सीख गए भाई एक दिन नहीं यार, ये देखो ऊपर इंग्लिश लिखी नीचे कन्नड़ लिखा, तो भाई पढ़ रहे थे हम। सो बाय द वे सिस्टम रेडी हो गए और यूलू भी चला चुके हैं, सब चला वाला के आ गए, घूम फिर के मजे करा है। और अभी तो कैसे से आरोप के, क्योंकि हम जा रहे हैं एक जगह, हम लोग अब वो नहीं शूट कर सकते, दिखा सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, बट अभी जा रहे हैं और देखते हैं चल के कैसा होता है क्या है। बाकी फिर आने वाले ले भाई ये भी आ गई, तो आने वाले समय में कल जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें एक और बढ़िया चीज़ आपको एक्सप्लोर कराएंगे बैंगलोर की, ठीक है? अभी तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो शूट नहीं करेंगे, खैर बस ये है। तैयार तो यार हो गए, निकलते हैं थोड़ी देर में और लाओ भाई परफ्यूम लगाया अपना।